थकान तो है पर मुस्कान चेहरे पे है वो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। जिंदगी है, मुस्कुराना तो जिंदगी है। और छत्तीसगढ़ में आस्था का एक दिन का मंदिर, संतान की आस लिए दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। सूनी गोद भरती है माता लिंगेश्वरी। साल में मात्र एक दिन खुलता है माता का पट। जी हाँ, कोंडा गांव में साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है माता का दरवाजा। कोंडा गांव जिले के आलोर की पहाड़ों में विराजमान माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर का पट सूर्य उदय के साथ खुलता है और सूर्यास्त के साथ ही साल भर के लिए फिर बंद हो जाता है। इसी एक दिन में देश भर से माता के दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। माता के दर में संतान प्राप्ति की कामना को लेकर आने वाले लोगों की तादाद साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। ऐसी मान्यता है कि माता लिंगेश्वरी के दर में जो भक्त संतान प्राप्ति की कामना लेकर पहुँचते हैं उनको अब तक निराशा हाथ नहीं लगी और माता ने सभी के आंगन किलकारियों से भर दिए। इस साल यह मंदिर 18 सितंबर को खुला और देश भर से हजारों की तादाद में लोग माता के दर्शन करने पहुँचे। माता लिंगेश्वरी पहाड़ के ऊपर विशाल चट्टान के नीचे वास करती है। हालात यह बन गए कि कहीं माता के दर्शन से भक्त चूक न जाएं, इसलिए कई लोग दो या तीन दिन पहले ही यहाँ पहुँचने लगे थे। यहाँ की सारी व्यवस्था गांव की समितियों के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा के मद्देनज़र मंदिर के आसपास 400 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया था। माता लिंगेश्वरी पर प्रसाद के रूप में खीर चढ़ाया जाता है जो वापस पति पत्नी को दिया जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद को पति पत्नी के द्वारा खाने पर माता मनोकामना पूरी करती है और संतान से उनकी झोली भर देती है। मैं वेद प्रकाश साहू ग्रामपुर से आया हूँ। हमें जो है लिंगेश्वरी माता के बारे में जो है फ्रेंड सर्कल के थ्रू मालूम चला था, तो हम लोग जो है 2022 में आए थे और हमारे पास एक साल का बच्चा है जो मन्नत पूरा होने पर मिला है। हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि सारे भक्तों का जो है मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी से विश्वास है कि सबका मनोकामना पूर्ण ही करेंगे। धन्यवाद। कितने साल से ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए? हम लोग जो है 7 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमें फ्रेंड सर्कल के थ्रू जो है मालूम चला 2022 में, तो हम लोग तुरंत ही आ गए। हमारे साथ बहुत सारी विपत्तियाँ भी आई आने के लिए, लेकिन माता रानी सब चीज़ जो है सफल करते हुए जो है पूर्ण किया और हमारा जो है मनोकामना भी पूर्ण किया। वो यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा है रिस्पॉन्स यहाँ पर? आज साल भर में प्रतिवर्ष एक बार माता लिंगेश्वरी का दरबार खुलता है, पर यहाँ मान्यता है कि जो निसंतान दंपति है वो आकर के अपनी मनोकामना पूरा करते हैं, निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति होती है। आज भारत देश के कोने कोने के हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं और लिंगेश्वरी माता संतान ही नहीं मनवांछित वर, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माता लिंगेश्वरी का है। ये अद्भुत लिंग है। हम लिंग को भोलेनाथ बूढ़ा देव का स्वरूप मानते हैं, लेकिन यहाँ माता पार्वती और शिव दोनों एक साथ होने के कारण ये लिंगेश्वरी माता के रूप में यहाँ के जो शिवलिंग है उसको मान्यता प्राप्त। कुछ कमियाँ रह गई होंगी यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर, उन्हें कब तक दुरुस्त किया जाएगा? मैं यहाँ पिछले 20-25 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। उस समय यहाँ पे कई कमियाँ थी, यहाँ पे पहुँचने के लिए सड़क नहीं थी, शेड नहीं थी, फिर भी आस्था के कारण और उनको मनवांछित फल मिलने के कारण हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पे लगातार आते रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे शासन प्रशासन और हम सब लोग मिलकर के यहाँ की व्यवस्था को सुधार रहे हैं। आगे चल के यहाँ की व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा।
कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके दर्शन? यहाँ पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, ऐसे देश के अनेक कोने से आते हैं, बम्बई से और दिल्ली से भी लोग यहाँ पे आते हैं। साल पहले जिन्होंने विवाह किया था और उनको भी यहाँ पर पिछले बार दर्शन के लिए आए थे, संतान की प्राप्ति हुई। अभी तक के लगभग 700 लोगों का जो है यहाँ पर नाम आ चुका है जिन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जो पिछले बार दर्शन किए थे, और लगभग 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो है कतारबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं। और ये यहाँ की एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में माता लिंगेश्वरी का जो धाम है वो दिन ब दिन जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, विकसित हो रहा है। इसके लिए मीडिया के साथियों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें सहयोग किया हुआ है, और यहाँ पर जो आयोजन समिति है, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, इन सब ने मिल करके, यहाँ के समाज सेवियों ने मिल करके इस आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करने का प्रयास किया है। कुछ कुछ कमियाँ अभी और भी बाकी है जिनको आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। सर, आप यहाँ के कलेक्टर भी रहे थे, कलेक्टर के दौरान आपको ऐसी कोई कमी थी जो पूरा नहीं कर सके, जिसे विधायक के रूप में आप करना चाहेंगे? देखिए, अभी काम काफ़ी बाकी है। जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर जमावाड़ा होता है, तो उनके लिए एक तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, उनके ठहरने की सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए सुबह जैसे स्नान करने की ज़रूरत पड़ती है उसकी सुविधा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी ज़रूरत तो यहाँ पर मोबाइल टावर की है, जिसको शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर लगाना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे प्लान हैं दिमाग में जिनको पूरा किया जाएगा।